बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नाउ में। मेरा नाम है शुभेंदु पांडे। वेस्टइंडीज की टीम ने दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए अपने प्लेइंग 11 का ऐलान किया है और इस प्लेइंग 11 में एक ऐसे खिलाड़ी को शामिल किया गया है जो मैदान पर अपने कर्तव्य दिखाने के लिए जग जाहिर है। जिसकी विकेट लेने के बाद जिसका सेलिब्रेशन है वो अपने आप में बहुत वायरल होता है, लेकिन क्या वो खिलाड़ी वेस्टइंडीज की किस्मत बदल पाएगा उसी के बारे में बात करेंगे और क्या वेस्टइंडीज की टीम इस बदलाव के साथ दूसरे मुकाबले में कुछ थोड़ा बहुत भी रोमांच दिखा पाएगी, थोड़ी बहुत फाइट दिखा पाएगी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और हमारे बाकी के वीडियो को भी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अब आते हैं दरअसल खबर पर। दूसरा टेस्ट मुकाबला भारत और वेस्टइंडीज के बीच 20 तारीख से शुरू होगा, 20 तारीख से खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज में 1-0 की बढ़त के साथ अगर देखा जाए तो दूसरे मुकाबले में जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। ऐसे में वेस्टइंडीज के पास ये उम्मीद रहेगी वेस्टइंडीज को कि वो अपनी साख बचा पाए और जिस तरीके से पहले मुकाबले में हार हुई है पारी और इतने बड़े रनों के अंतर से, उस हार को थोड़ा बहुत अंतर को ना कम करे बल्कि इस मुकाबले में भी थोड़ा रोमांच ला सके। तमाम सवालों के जवाब वेस्टइंडीज खुद ढूंढ रही है क्योंकि इस वक्त वेस्टइंडीज की टीम जो है अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। ओडीआई वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाई और यहां पर टेस्ट मुकाबले में पहले मुकाबले में इस तरीके से दिखी कि लग रहा था कि शायद मुकाबला जल्दी से खत्म हो जाए। ऐसे में नई टेस्ट मुकाबले के लिए नई टीम का ऐलान हुआ है और किन किन खिलाड़ियों के इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने मौका दिया आपको बताते हैं। 20 तारीख से खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए वेस्टइंडीज ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। इस मुकाबले में अगर वेस्टइंडीज की टीम की बात करें तो क्रैग ब्रैथवेट कप्तान, उसके अलावा जर्मन ब्लैकबुट वाइस कैप्टन, इसके अलावा अलिक अथनाजे जिन्होंने पहले मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी पहली पारी में, इसके अलावा तेज नारायण चंद्रपॉल भी इस टीम का हिस्सा है, इसके अलावा रकीम कॉर्नवॉल भी हैं, इसके अलावा जोशुआ डिसिल्वा, शैनन गैब्रियल और उसके बाद की अगर बात करी जाए जेसन होल्डर जिनसे उम्मीद रहेगी वेस्टइंडीज को कि ये बेहतर करें, इसके बाद अल्जारी जोसेफ हो गए, क्रिक मैकेंजी हो गए, केमार रोच भी हो गए और जो हम बदलाव की बात कर रहे हैं वो हैं केविन सिंक्लेयर, इसके अलावा जुमेल वारिकन। ये पूरी प्लेइंग 11 या फिर कहें 13 खिलाड़ियों की टीम रहने वाली है। इसमें से अगर मान लीजिए यहाँ पर केविन सिंक्लेयर को मौका मिलता है तो उनका ये डेब्यू मुकाबला होगा। अभी उन्होंने वो अनकैप्ड प्लेयर है वेस्टइंडीज की तरफ से, अगर बात कर ली जाए उनके जिस तरीके से सेलिब्रेशन की तो वो विकेट लेने के बाद फ्लिप मारते हैं जो बड़ा वायरल भी होता है, उनको शामिल किया गया इस मुकाबले में रोमन रॉफेल की जगह जिन्होंने पहले मुकाबले में खेला था, विकेट नहीं ले पाए थे, बल्लेबाजी से भी बहुत खास इंपैक्ट नहीं रहा था। ऐसे में यह बदलाव हुआ है, यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, क्या कुछ इंपैक्ट रहने वाला है ये तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन विकेट लेने के बाद वो कर्तव्य जरूर इनका वायरल होने वाला रहेगा क्योंकि वेस्टइंडीज के हाथ में अभी मुकाबले से ज़्यादा कुछ कर्तव्य वाली चीज़ें ही रह गई हैं क्योंकि अभी जिस तरीके से पहले मुकाबले में उनकी फाइट रही है वो अपने आप में कहीं ना कहीं निराश करती है। तो ये वेस्टइंडीज ने अपने 13 खिलाड़ियों की जो लिस्ट जारी की उम्मीद करेंगे कि वहाँ पर इनका डेब्यू हो। बाकी बात करने वाली ये भी रहेगी कि टीम इंडिया के किन किन खिलाड़ियों को आपको लगता है कि रेस्ट मिलने वाला और बाकी कौन कौन से खिलाड़ी दूसरे टेस्ट मुकाबले में मौका पा सकते हैं। आपका जवाब हमें इंतजार रहेगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सा खिलाड़ी इस मुकाबले में मौका पाएगा और कौन सा खिलाड़ी बाहर होगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।